हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नए व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और कल हम लेट सोए, मैंने बताया था आपको 11 बजे तो आए हैं, करते करते 12:30 बज गए हमें। आज बहुत ही हमारा सारा काम स्लो चल रहा है, लाइट भी चली गई इस टाइम, और एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई। मेरी तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ भी नहीं हो पाता था, सर संभाल लेते सब कुछ। अब सर को भी क्या हो गया है, अंगूठा जो है पैर का वो स्वेलिंग आई हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे ना पकने के बाद हो जाता है। ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पेन है मुझे, उसमें खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा मेरे से, पता नहीं अचानक से, या तो कल लंबा ज़्यादा हो गया इनका बैठना भी, आना जाना कहीं, तो हो सकता है पता नहीं किस कारण से। और दूसरा, मेरी तबीयत पहले ठीक नहीं, सर की भी, और दूसरा तीसरी बात, अरहद्य और प्रथम, जब से उज्जैन से आए हैं दोनों बच्चों की तबीयत खराब चल रही है। आराध्या का तो कल तो हम सोच रहे थे कि बुखार नहीं आया, तो हो सकता है बस अब नहीं आएगा, ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। तो आराध्या से मैंने बात करी, कहे नानी जी फिर आ गया मुझे फीवर, तो आज वो टेस्ट करवाना पड़ेगा आराध्या का भी। मुझे लग रहा है कि उसको 5-6 दिन हो गए, वहीं पर ही हो गया था उसको बुखार। और प्रथम का भी, अब मैं प्रथम से पूछा था, कह रहा है कि मेरे पेट में भी नॉर्मल नहीं है मेरा पेट, और गला ख़राब, उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। दोनों ही बच्चे बीमार हो गए हैं, क्योंकि ये बाहर का खाना फ्रेंड अब कितना ही वो कर लें लेकिन खाना तो पड़ता ही है, जब हम बाहर जाते हैं तो इन्फेक्शन हो गया दोनों बच्चों को। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती है चारों तरफ से, हम भी नहीं संभाल पा रहे उन बच्चों को, क्योंकि हम खुद ही परेशान हैं, और वो भी नहीं संभाल पा रहे हमें, क्योंकि वो खुद ही परेशान है बच्चों की वजह से। और सर का अभी, सर बैठे हैं, सर आप भी हेलो करो, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको सर का पैर। अरे ये रे सर, परेशान है ये भी। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, आपका पैर दिखाना। ये अंगूठा सूज रहा है। अरे ये देखो लाल हो रहा है बिल्कुल, ये पता नहीं पक रहा है क्या, रेड हो गया ये, कुछ चोट भी नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ इस पे, बिल्कुल देखने से ऐसा हो रहा है जैसे बहुत दर्द होगा। और आपकी वो चोट जलने का तो हो गया थोड़ा, कि दिखाना सर का जलने का तो ठीक हो गया थोड़ा सा, लेकिन और प्रॉब्लम आ गई इसमें, तो होम्योपैथिक दवाई काम किया पता है, होम्योपैथिक दवाई से हो गया सर का जलने वाला तो ठीक, लेकिन क्या अब सर का ही कुछ हो गया तो मेरा सारा काम कौन करेगा। और मैंने बनाया है, आज मैंने ही बनाया है शेक, ये रहा, क्योंकि सर से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, बहुत ज़्यादा पेन है, फिर भी थोड़ा थोड़ा कर ही रहे हैं जैसे तैसे करके। चलो फ्रेंड, कोई बात नहीं, मुसीबत भी आती रहती हैं जाती रहती हैं, यही ज़िंदगी है, स्ट्रोंग बनना चाहिए हमें, ये भी टाइम निकल जाएगा। ये फ्रेंड देखो, मैंने लगभग 1 हफ्ता पहले ही आपको दिखाया होगा कि यहाँ पर दीमक लगी है, उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, और अभी तो बढ़ता जा रहा है, देखो नीचे तक, पता नहीं फ्रेंड ये दीमक तो क्या करेगी क्या नहीं, शायद लगता है दीमक ही रहेगी हमारे घर में, तो हमें तो बाहर ही निकालेगी। ये देखो नीचे से भी, ओह माय गॉड, ये तो लकड़ी भी लूज होगी, सारी खराब होगी शायद। सर तो अपनी तरफ से मेहनत तो बहुत करते हैं, लगे रहते थोड़ा सा दिखाते ही शुरू हो जाते हैं। ये देखो तो लकड़ी दब रही है, तो ये देखो, ओ माय गॉड, कहाँ कहाँ दिखाऊं फ्रेंड मैं आपको, 1 हफ्ते में फ्रेंड ये हाल हो गया है। एक फ्रेंड ये कह रही थी, फ्रेंड पहले मैंने दिखाई थी ना अपने दीमक, तो वो ये कह रही थी कि मैम हमारे घर में भी दीमक निकलती है, लेकिन मैंने लक्ष्मण रेखा लगा देती हूँ तो उससे ना वो ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा लक्ष्मण रेखा तो हम तब लगाएं, कहाँ लगाएं लक्ष्मण रेखा इसमें, यहाँ चल थोड़ी ही रही है दीमक कि यहाँ तक लगा दी, यहाँ लगा दी, चलती हुई तो नहीं दिख रही ना, अब लकड़ी में कहाँ लक्ष्मण रेखा
और हो सकता है उनके थोड़ी बहुत ही होती, मग इतना बुरा हाल ना हो जितना कि हमारा है। देखो फ्रेंड, आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कितना दुख हो रहा होगा ये सब हमारा सामान देखकर। कोई फायदा लग रहा है फ्रेंड आपको लकड़ी का सामान बनवाने का? मुझे तो दिमाग का कोई भी इलाज नहीं सूझ रहा फ्रेंड, बहुत परेशान रहते हैं और सर तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, कहते ही इंजेक्शन लगाने शुरू कर देते हैं इनमें, चेक कर करके ये देखो ये सिरिंज से भरते रहते हैं दवाइयाँ इनमें, लेकिन कोई भी मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा इसका। तो अभी मैंने बोतल वगैरह उतार के रख रखे हैं, ये रही यहाँ पर रखती हूँ मैं मनी प्लांट वगैरह, ये मेरा सारा सामान रख रखा है मैंने जो मैं यहाँ पर रखती हूँ, लगा देती हूँ फ्रेंड। मैंने सोचा कि आप कुछ सुझाव दें, मुझे बताएं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, हमें तो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं लगा फ्रेंड इसका। ये फ्रेंड से अब करने लग गई हूँ मैं चिमनी की सफाई, चिमनी साफ करूंगी फ्रेंड आज मैं लगभग महीने में करती ही रहती हूँ फ्रेंड, और देखो कितना ऑयल हो गया है, जल्दी जल्दी करती रहती हूँ फिर भी दिखा रही हूँ आपको कितना ऑयल है, चिपचिपा है, येलो येलो हो गया है पूरा। कितना ही हम कुछ कर लेते हैं लेकिन सारा जो हम किचन में फ्रेंड खाना वाना जो भी सब्जी बनाते हैं तड़का लगाते हैं सारा धुआं तो ऊपर ही जाता है। तो महीने में तो मैं कर ही लेती हूँ, महीने 1.5 महीने में जैसे भी मुझे टाइम मिलता है जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, फिर उसमें भी देखो हो ही जाता है, जल्दी साफ करने पर भी इतना हो जाता है। और ये फ्रेंड मैंने गर्म पानी किया था, इसमें सर्फ डाल दिया है, और ये जो ब्रश ले रखी है टूथ ब्रश, इससे इसको रगड़ दूंगी, डाल दिया है मैंने गर्म गर्म पानी, सारा ऑयल निकल जाएगा फ्रेंड इससे, और ब्रश से भी अच्छे से साफ हो जाएगी ये। और अब करूँगी फ्रेंड इसको अंदर से साफ मैं, इसके अंदर जो फैन लगा होता है वो भी बहुत ही गंदा हो जाता है, दोनों साइडों में है जैसे, देखो मैं दिखा रही हूँ आपको पूरा ही न्यूज़पेपर जो है ऑयल से भरा हुआ है, और न्यूज़पेपर से अच्छे से साफ हो जाता है फ्रेंड। मेरी चोट भी लगी है, चोट क्या खून आ गया अंदर से कट गया है, ये शार्प था, ब्लड आ गया है और मुसीबत खड़ी। अब फ्रेंड आज सर की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बहुत दर्द था पैर में, तो अनार वगैरह निकालने का काम नहीं हो पाया मॉर्निंग में, वही तो बात है सर करते थे ये सारे काम मेरे, आज खुद ही मुझे करने पड़ रहे हैं, और इतनी देर तो खड़ा मेरे से भी नहीं हुआ जाएगा फ्रेंड, अगर बैठ के अनार वगैरह निकालूँ तो सारा ही फैल जाता है, पता नहीं इसकी रेड रेड जो इसका कलर होता है दूर दूर तक फैल जाता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ जितनी देर खड़ा हुआ जाएगा खड़े होकर ही निकालूंगी, बैठ कर तो बहुत टाइम लगता है फ्रेंड मुझे, ये डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ जाऊँ ऐसे, तो ये काम सर ही कर देते थे लेकिन मैंने बताया उनको बहुत ज़्यादा पेन था। अभी देखो मेरी वाइट शर्ट है ये भी ख़राब हो जाएगी, चिमनी सेट करवानी है सर से, बोलती हूँ सर को, साफ हो गया बिल्कुल, बहुत तो जल्दी गंदी जाती है अपना। बात सुनो सर, क्या न्यूज़ सुन रहे हो? बताओ एक बार ये चिमनी सेट कर दो, मैं धोई थी आज। साफ हो गई है अच्छी तरह, हाँ जी हाँ, तेल वेल निकल गया इसका? निकल गया। और आप अच्छे से धोते हो? ना वैसे ना ना, अच्छे से ही होगी, मेरे तो अच्छे साफ होते हैं, ये मैं निकाल तो देती हूँ, मेरे सेट नहीं होती। कई बार मेरे से बढ़ जाती है इसकी सेटिंग होती है बिल्कुल, कई बार पॉइंट पे चले जाए तो जाती है, ये आराम से होगी, हो गई अब? 1 सेकंड में होगी, अच्छा इसको ऐसे दबा के और हाँ वापिस इसको करना होता है, लोक लग गया इसका, अच्छा गिरेगी इधर से अटकी हुई है और यहाँ से हाँ लोक लग गया, अच्छा, मैं निकाल तो लेती हूँ। निकल तो जाएगी, हाँ खींच लो निकल जाएगी, हाँ लेकिन निकालने के बाद यहाँ सेट होनी मुश्किल रहती है, ये वाला जो है ना दो कुंडे हैं ऐसे उसमें, हाँ वो अगर सही ग्रिप में आती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, अब और वो आपका रहता पेन कैसा रहा? है। पेन पेन कैसा रहा पैर का? तो मैंने वो पेन किलर की गोली लेनी पड़ी, लेता नहीं हूँ अलग, तो हाँ 2-2.5 घंटे तो उतनी चीज लगती रही, उसके बाद फिर मेरे को कुछ आराम से आया, लेकिन अब ये दिख रहा है जैसे पिलपिलास हो रहे थे इसका ना मुंह बनेगा है अभी बना लिया, ना, हाँ पक गया ये। फिर रोटी खाने के बाद मैं जैसे 1 घंटा पानी पीता नहीं हूँ 2 बजे का, तो 3 बजे फिर मैंने वो मेडिसिन ली है, तो उसके बाद ये है कि मैं आराम से, सुबह भी हाँ ली थी सर ने पेन किलर, फिर दोपहर फिर लिया आपने? जी
क्या करे, दर्द इतना था। दर्द मैं कहता हूँ, मैं डस्टबिन उल्टा करके पैर उस पर रखूँ, कभी आगे करूँ, कभी पीछे रहूँ, कभी चप्पल निकालू, मतलब बेचैनी इतनी देंगे, दिमाग खराब हो गया। स्लीपर पहने के क्या? हाँ स्लीपर, जूते पहन नहीं सकता, शूज नहीं पहन सकते थे बैंक में, क्या करूँ, मजबूरी है, स्लीपर पहन के गए। करे बैंक में चेयर के साथ में डस्टबिन रख रखा था। डस्टबिन साफ है वैसे, सुबह साफ होता है ना, उसमें कोई होता नहीं कबाड़, उसको उल्टा कर लिया, पैर रख लो, फिर वहां भी रखा तो उसके ऊपर रख लिया मेज के नीचे, वहां भी बात नहीं बनी, फिर उल्टा निकाला, तो मतलब कभी चप्पल निकालो, कभी फिर ऐसे ऊपर पैर पे चढ़ा के रख लिया, मतलब बेचैनी इतनी थी, बेचैन हो रहा था मैं। अब कैसा? अब दर्द नहीं है, उसने दबा रखा दर्द, लेकिन थैंक्स गॉड, सर का तो हो गया ठीक, मेरा पता नहीं कब होगा, मेरा तो 2 मिनट भी नहीं खड़ा हुआ जाता। तो चलो फ्रेंड, आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर ही एंड, और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।